नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पोलैंड के दौरे नाल दोवां देशों की दोस्ती नूं होर हुलारा मिलिआ ए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भलके अमरीका के चार दिन दौरे ते जाणगे। वक्फ सोध बिल 2024 ते विचार लई गठित JPC दी पहली मीटिंग अज नवी दिल्ली विच। IT मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफार्मां नूं कोलकाता जबर जनाह मामले नाल संबंधित समग्री हटाउण दे दित्ते निर्देश। भारत दीआं तीन महिला पहलवान पहुंचियां अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप दे सैमीफाइनल च। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पोलैंड की उन्हां दी पहली यात्रा दुवल्ली दोस्ती नूं होर हुलारा देवेगी ते दोवां देशां दे लोकां नूं लाभ होवेगा। प्रधानमंत्री ने पोलैंड च भारती भाईचारे नूं संबोधन कीता। एक्शन प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है। भारत आने के लिए आमंत्रित करेगा। में पोलैंड के युवाओं को और ज्यादा जानने का मौका मिलेगा। साथियों, इस तो पहला उन्होंने पोलैंड की वारसा मिलिट्री एयरपोर्ट पहुंचण से निघा स्वागत किया। भारतीय प्रवासियों ने भी एक होटल च उन्होंने रस्मी स्वागत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी का पोलिश प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ते राष्ट्रपति आंड्रेज डुडा नाल मुलाकात करन दा भी प्रोग्राम है। पिछले 45 सालां विच किसे भारतीय प्रधानमंत्री दा पोलैंड दा ए पहला दौरा है। बल्कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की दे सदे ते यूक्रेन दा दौरा करनगे। 1992 च दुवल्ले संबंधां दी शुरुआत तो बाद किसे भारतीय प्रधानमंत्री दी यूक्रेन दी ए पहली यात्रा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भलके अमरीका के चार दिन दौरे ते रवाना होणगे, जिस दौरान वह अपने अमरीकी हमरुतबा आस्टिन नाल दुवल्ली बैठक करनगे। इस दे नाल ही वह राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों लई अमरीकी राष्ट्रपति के सहायक जैक सुलेमन नाल भी मुलाकात करनगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यूयॉर्क दौरे तो पहला राजनाथ सिंह का यह दौरा काफ़ी अहम मनिया जा रहा है। जिक्रयोग है कि रक्षा मंत्रालय च फैसले लैण वाली उप पदरी संस्था डिफेंस एक्विजिशन कौंसल की 7 जुलाई में हुई बैठक च कुछ सौदा के नाल MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन सौदे नूं मंजूरी दी गई सी। राजनाथ सिंह दी आस्टिन नाल होण वाली दुवल्ली मीटिंग च इस सौदे ते मोर लगन दी आस है। इस तों इलावा मिजाइलां ते गाइडिड बंबां दे नाल 3.9 खरब डॉलर दी लागत नाल UAV दे सौदे ते ही चर्चा होण दी संभावना है। राजनाथ सिंह दे दौरे दौरान विदेशी तेजस मार्क 1A लई GE-404 इंजन दी सप्लाई दा मुद्दा भी उठण दी संभावना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आमदन कर विभाग नूं टैक्सदातावां नूं भेजे जाण वाले नोटिसां दी भाषा सरल ते स्पष्ट बनाउण लई आख्या है, तां जो टैक्सदातावां च डर दी भावना ना रहे। नवीं दिल्ली च इनकम टैक्स समागम दे 165वें वरे मौके बोलदिआं वित्त मंत्री ने नोटिस भेजे जाण दे कारण दा स्पष्टीकरण शामिल करन दी लोड़ ते वी जोर दित्ता। वित्त मंत्री ने कहा कि 72% टैक्सदातावां पुरानी प्रणाली तो नवी टैक्स प्रणाली च आ गए ने। उन्होंने कहा कि नवी टैक्सदातावां की गिनती वधी है अते टैक्स का आधार भी वधिया है। वनज ते उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय अफ्रीका दीआं इच्छावां ते उम्मीदां च समानता है। नवी दिल्ली च कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज वालों आयोजित इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्फ्रेंस च बोलदे उन्होंने कहा कि भारत अफ्रीकी देश अपने लोगों को गुणात्मक जीवन प्रदान करने यतनशील है। गोयल ने कहा कि भारत अफ्रीकी देश अपने लोगों की जीवन शैली ते खुशहाली नूं बेहतर बनाने यतन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अफ्रीका नाल भारत के संबंध 10 सिद्धांतों ते आधारित रहणगे ते इस च पहल अफ्रीकी देशों दिती जाएगी।
मुस्लिम भाईचारे की जायदाद नाल संबंधित वक्फ सोध बिल 2024 ते विचार करने लई बनाई गई सांझी संसदी कमेटी यानी जे पी सी की पहली मीटिंग अज नवी दिल्ली होगी। लोकसभा मैंबर जगदंबिका पाल की अगुवाई वाली 31 मैंबरी कमेटी ने घट गिणती मामलों कानून ते न्याय मंत्रालय के नुमाइंदियां नाल गलबात करनी है। इस कमेटी च लोकसभा तो 21 ते राज्यसभा तो 10 मैंबरां नूं शामिल किया गया है। केंद्रीय घट गिणती मामलों बारे मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही विच संसद दी मानसून इजलास दौरान एक बिल पेश कीता सी। इस तो इलावा इस नाल संबंधित पुराने नकारा हो चुके एक्ट नूं कागजां तो हटाउण लई मुसलमान वक्फ रिपील बिल 2024 भी पेश कीता गया सी। अजिहा कहा जा रहा है कि नवी बिल दा नां एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण कुशलता ते विकास एक्ट होवेगा। इलैक्ट्रॉनिक्स ते सूचना टैक्नोलॉजी मंत्रालय ने भारत च काम कर रहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मां नूं आरजी कर मैडिकल कॉलेज की घटना च मृतक की पछाण नाल संबंधित सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा हुक्मां की पालना करन लई कहा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मां च निर्देश दिता कि मृतक के नाम के सारे हवाले मृतक नूं दर्शाउंदियां तस्वीरां ते वीडियो क्लिपां समेत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मां ते इलैक्ट्रॉनिक मीडिया तो तुरंत हटाए जाण। इस आदेश के मद्देनज़र मंत्रालय ने सारिया सोशल मीडिया कंपनियां नूं यकीनी बनाने की अपील की कि अजिही संवेदनशील जानकारी नूं अगे ना फैलाया जाए। इस च कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्मां की पालना करन च असफल रहने के नतीजे वजो कानूनी नतीजे ते होर रेगुलेटरी कार्रवाई हो सकती है। मंत्रालय ने अगे कहा कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी मंत्रालय नूं साइबर लॉ लीगल एट द रेट मैटी डॉट गोव डॉट इन ते सुप्रीम कोर्ट के हुक्मां की पालना के जवाब च की गई कार्रवाई बारे सूचित करनगे। केंद्रीय जांच ब्यूरो कलकत्ता दे आर जी कर मैडिकल कॉलेज ते हस्पताल दे साबका प्रिंसीपल संदीप कोश तो पुछगिछ कर रही है। जांच एजेंसी मौजूदा मैडिकल सुपरिटेंडेंट ते हस्पताल दे वाइस प्रिंसीपल बुलबुल मखोपाध्याय तो भी पुछगिछ कर रही है। दूजे पासे डॉक्टरां ने कलकत्ता च रोस रैली कढ़ी, भाजपा ने भी रोस प्रदर्शन किया ते मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी ते कलकत्ता दे पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार गोयल तो अस्तीफे की मांग की गई। कांग्रेस ने भी इस घटना का विरोध किया है। पीड़िता ले इंसाफ की मांग की है। वकीलों ते खिडारियों ने रोष मार्च कढ़िया। उधर दिल्ली दे लेडी हार्डिंग मैडिकल कॉलेज, मौलाना आजाद मैडिकल कॉलेज, वर्धमान महावीर ते सफरदजंग हस्पताल दे रेजिडेंट डॉक्टर ने जबर जनाह मामले खिलाफ इंसाफ दी मांग नूं लैके प्रदर्शन किया। इस दौरान नवी दिल्ली दी एम्स ने प्रेजिडेंट डॉक्टर नूं काम ते वापस आने की अपील की है। एम्स ने कहा कि सरकार सेहत कर्मचारियों की सुरक्षा लई वचनबद्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मैडिकल स्टाफ की सुरक्षा यकीनी बनाने लई सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिता है ते एम्स ने रेजिडेंट डॉक्टर दीआं समस्यावां दे हल लई एक कमेटी का गठन किया है। भारत यूरोपी संघ की राजदूत हरवे डेल्फिन ने अतवाह ते कट्टरवाद के प्रचार लई इंटरनेट की वरतों करन दीआं चुनौतियां नाल नजिठण लई सांझे यतनां लई सद्दा दिता है। नवी दिल्ली च ईयू इंडिया शिखर सम्मेलन च बोलदियां डेल्फिन ने कहा कि यूरोपी संघ कोल इन्हां चुनौतियां नाल नजिठण दा लंबा ते ठोस तजर्बा है। साबका विदेश सकत्तर अते जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर कवल सिब्बल ने आस प्रकट की है कि ऑनलाइन अतवादी समगरी से यह दो रोज़ा विचार वटांदरा काफ़ी लाहेवंद होगा। आकाशवाणी जलंधर वालों देश की आज़ादी की 70वीं वरेगंढ के संबंध च लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी च सूफी रंग संगीत समागम करवाया गया। प्रसिद्ध सूफी गायिका रज़ा हीर ते याकूब ने अपनी संगीत प्रतिभा नाल दर्शकों नू मंत्र मुगध कर दिता। उच्चा नाम रखाया जिसने। यह प्रोग्राम यूनिवर्सिटी के सहयोग नाल आयोजित किया गया। वक् वक् विभागों के विद्यार्थियों ने संगीत समागम च हिस्सा लिया। इस मौके आकाशवाणी जलंधर के कलाकारों को सम्मानित किया गया। आकाशवाणी जलंधर के डिप्टी डायरैक्टर इंजीनियरिंग गुरनाम सिंह ने दर्शकों का धन्यवाद किया। आकाशवाणी के डिप्टी डायरैक्टर न्यूज़ शिशु शर्मा, आकाशवाणी जलंधर के प्रोग्राम हैड परमजीत सिंह तो इलावा होर पतवंती व्यक्ति समागम च हाजिर सन।
पद्म पुरस्कार 2025 ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਕੌਮੀ ਐਵਾਰਡਸ ਪੋਰਟਲ www.awards.gop.in ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ 3 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਬਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ, ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਮੇਤ ਨਵਾਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਬੱਚੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਮੀ ਬਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਯੋਗ ਪਾਤਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਦਿਓ ਆਗਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ।